नमस्कार, मैं आशीष अवस्थी। आज आपको सी लेक्चर सीरीज में आगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना होगा तो उस ऑपरेशन की वैल्यूज को अगर किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो आपको असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर को समझने से पहले समझ लेते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर एक स्पेशल टाइप के सिंबल्स होते हैं जो एक तरफ से वैल्यू दूसरी तरफ स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नॉर्मली जब हम सी का यूज करते हैं तो सी में जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं ये राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कराते हैं या स्टोर कराते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है ए और हमने इक्वल टू का साइन लगाया जो कि हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है और हमने इधर वैल्यू लिखी 5, तो ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड और ये हमारी हो गई लेफ्ट हैंड साइड। हमेशा सी में राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वैल्यू स्टोर होती है, ये बात हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी अगर हम सी के प्रोग्राम्स को बना रहे हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला एग्जांपल है, अगर हम सिंपली इक्वल टू का साइन लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो ए वेरिएबल है और जो बी वेरिएबल है इसमें बी वेरिएबल की वैल्यू ए की तरफ जा रही है। इट इज सिंपल एज ए इज इक्वल टू बी, यानी जो बी की वैल्यू है वो ए में स्टोर हो जाएगी। वहीं पे अगर हम लिखते हैं प्लस इक्वल टू, इसका मतलब से साफ है कि हम ये चाहते हैं कि जो बी वैल्यू है उसकी वैल्यू ए में ऐड हो और फिर ये दोनों वैल्यू ऐड होने के बाद फिर से ए नाम के वेरिएबल में जाकर स्टोर हो, यानी इट इज सिंपल एज ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक इसी तरीके से अगर हम माइनस साइन का यूज हम इक्वल टू ऑपरेटर के पहले करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। सेम गोज विद द मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, और यहां पर फिर से बताऊंगा कि ये परसेंट का साइन मॉडुलस ऑपरेटर होता है। मॉडुलस का मतलब रिमाइंडर के लिए, यानी यहां पर ए को बी से डिवाइड किया जाएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो जाकर ए में स्टोर होगा। तो यहां पर परसेंट का साइन किस लिए यूज हो रहा है, रिमाइंडर के लिए यूज हो रहा है। अब ये हमारी बेसिक टर्मोलॉजी, हम अगर करें तो बेसिक टर्मोलॉजी हमारी अगर प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अब हमें प्रोग्राम्स ही बनाने पड़ेंगे क्योंकि हमने धीरे धीरे असाइनमेंट ऑपरेटर्स खत्म कर लिए हैं। तो सबसे पहली टर्मोलॉजी किसी भी प्रोग्राम की या प्रोग्रामिंग में आती है वो आती है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होते हैं? एल्गोरिथम समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि प्रोग्रामिंग बहुत ही आसान चीज है, प्रोग्रामिंग को में कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। अगर हमको एल्गो मालूम है, अगर हमको फ्लोचार्ट मालूम है तो हम एल्गो फ्लोचार्ट का इस्तेमाल करके प्रोग्राम्स को बड़ी आसानी से डेवलप कर सकते हैं। एल्गोरिथम क्या होते हैं? हम नॉर्मली जब कोई भी बात बोल रहे होते हैं या कोई चीज सोच रहे होते हैं उसको किसी सुचारू रूप से करने का, यानी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में करने का जो तरीका होता है उसको एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम को लिखने के लिए हम जनरल इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, और आजकल एल्गोरिथम दो तरह से लिखे जा सकते हैं, एक नियरेस्ट टू द नेचुरल लैंग्वेज जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज होती है, और एक नियरेस्ट टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्सिस का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले द एल्गोरिथम कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन सिंपल इंग्लिश। यहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो कुछ भी आपको लिखना है वो किसमें लिखना है, सिंपल इंग्लिश में लिखना है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्पेसिफिक टास्क। यहाँ पर कोई जेनरिक टास्क की बात नहीं हो रही है, एल्गोरिथम अगर बनेगा तो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनेगा, यानी प्री डिफाइंड टास्क के लिए बनेगा जिसके स्टेप्स पहले से प्री डिफाइंड होंगे। ये नहीं है कि रियल लाइफ प्रॉब्लम
को के ऊपर हम एल्गोरिथम बनाने जा रहे हैं। जैसे कि हम रियल लाइफ में चाय वाय बनाते हैं, तो चाय बनाने की अगर हम कहें एल्गोरिथम लिख दो तो ये काफी मुश्किल हो जाएगा, जबकि आपको ये प्रोसेस आसान लगता है। लेकिन अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में करेंगे तो तमाम तरह की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगी। जैसे चाय बनाने जा रहे हैं तो चाय के लिए पानी साफ है कि नहीं है, अगर हम पैन ले रहे हैं तो पैन साफ है कि नहीं है, गैस है कि नहीं है, लाइटर है कि नहीं है, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं। लेकिन रियल लाइफ होने की वजह से ये इन प्रॉब्लम्स को हम नजरअंदाज कर देते हैं या उसी समय हम क्विक डिसीजन लेकर आगे बढ़ जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंट। लेकिन यहां पर अगर एल्गो हमें बनानी है तो यहां पर प्री डिफाइंड कंडीशन होनी चाहिए, स्पेसिफिक कंडीशन होनी चाहिए। एल्गोरिथम के बाद जो अगली चीज आती है वो आती है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होते हैं हमारे, वो बिल्कुल एल्गो की तरह होते हैं, लेकिन जहां एल्गो में हम सिंपल इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, वहां फ्लो चार्ट में हम पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए पहले से ही प्री डिफाइंड सिंबल हैं जो स्पेसिफिक स्टेप्स के लिए यूज किए जाते हैं। उन सिंबल्स का यूज करके हम अपनी लॉजिक के फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि पहले आप कौन सा काम करेंगे, फिर आप कौन सा काम करेंगे, अगर वो काम नहीं हुआ तो क्या क्या आपको और काम करने पड़ सकते हैं, that is called फ्लो चार्ट। जब उसको हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हम उसको फ्लो चार्ट कहेंगे। फ्लो चार्ट के बाद जो अगली चीज हमारे पास आएगी वो आएगी प्रोग्राम। प्रोग्राम में और एल्गोरिथम में यही अंतर होता है कि एल्गोरिथम हमारे अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होता है, जैसे इंग्लिश हो गई, जबकि प्रोग्राम जो लिखे जाते हैं वो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज यानी कंप्यूटर जिस भाषा को समझ सकता है उस भाषा में लिखे जाते हैं। जैसे कि आपकी सी लैंग्वेज हो गई, आपकी जावा लैंग्वेज हो गई, आपके सी प्लस प्लस लैंग्वेज हो गई, सी शार्प हो गई, ये सारी लैंग्वेजेस आपकी कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज हैं, जिनके अपने स्पेसिफिक सिंटैक्स हैं, पर्टिकुलर सिंटैक्स हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम उसमें कोडिंग करते हैं और अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग फर्स्ट सी प्रोग्राम को डेवलप करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।